Yes, dear all CA students, good evening to all of you and hope your preparation for upcoming examination is going good. और मैं ये मान के चलता हूँ, एज्यूम करके चलता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत स्ट्रांगली कर रहे होंगे बिकॉज यू हैव ओनली 2.5 मंथ्स फ्रॉम द राइट नाउ. और अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग प्रिपेयर करें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस वीडियो का जो बेसिक डिस्कशंस रहने वाला है वो आपको थंबनेल को देख करके पता लग गया होगा. बिकॉज ऑफ दैट नो रेस्पॉन्स फ्रॉम ICAI विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड सिलेबस. तो ये पर्टिकुलरली जो वीडियो है ये जस्ट रिमाइंडर का काम करेगी जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं ओल्ड सिलेबस के लिए. और ओल्ड सिलेबस को क्या ये रिमाइंडर का काम करने वाली है तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ. बट बिफोर दैट मैंने आपको पहले बोला है हर चीज़ आपके एग्जाम से रिलेटेड, हर चीज़ आपको जो भी ICAI का नोटिफिकेशन या कुछ भी आपको अगर पर्टिकुलरली कोई इश्यूज़ आते हैं एग्जामिनेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के तो ये चैनल्स के थ्रू आपको अपडेट्स कर दिया जाता है. तो प्लीज़ अगर आपने चैनल पर से नए हैं तो प्लीज़ जरूर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस ना कर पाएँ. तो जो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स हैं मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ. जितने भी CA ओल्ड सिलेबस से स्टूडेंट्स हैं जो अपने पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे जुलाई 2021 एग्जामिनेशन में, और उनको ऐसा अगर लगता है कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है या फिर दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं जितने भी मेरे सीनियर्स हैं जिन जो फैकल्टीज़ हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूं, उन्होंने भी एक मेल किया था इंस्टीट्यूट को, और मेल इंस्टीट्यूट को किया तो वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया. और विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड सिलेबस कि वो अटैम्प्ट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, तो अटैम्प्ट को लेकर के अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं है ICAI की साइड से. तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता के चल दूं, आप ICAI के चक्कर में मत पड़ना. जो भी ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट जिनको लगता है कि जुलाई के एग्जामिनेशन में थोड़ा सा डाउट है तो वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांगली तैयार करना शुरू कर दें नए सिलेबस के लिए, और नए सिलेबस में कन्वर्ट कर दें अपने आप को. बिकॉज आपके पास टाइम नहीं रहेगा, जब तक रिजल्ट आएगा तो टाइम जा चुका होगा और अपनी प्रिपरेशन को आप खो दोगे. तो जो भी स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो जुलाई में एग्जामिनेशन में अपियर हुए और उनको अभी लगता है कि उनका प्रिपरेशन जो मतलब एग्जामिनेशन गया है वो बहुत अच्छा खासा नहीं गया है, और अकॉर्डिंगली वो अब वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट्स की वेट मत करो. बिकॉज ICAI की साइट ICAI की तरफ से तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है, और जहाँ तक नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट जो निकाल रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो अब अटैम्प्ट नहीं बढ़ाने वाले. ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना शुरू करो बिकॉज यू हैव जस्ट 2.5 मंथ्स फ्रॉम द राइट नाउ. और अगर रिजल्ट्स के ऊपर अगर आप डिपेंड रहते हैं तो आपके पास जस्ट और जस्ट 1.5 मंथ बचेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और अकॉर्डिंगली फिर आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, नवंबर को अटैम्प्ट को स्किप ही करना पड़ेगा. तो अभी आप यहाँ नया सिलेबस के लिए आप कन्वर्जन कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है इंस्टीट्यूट की साइड पे, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते. तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर के अपने आप को कन्वर्जन करा लें और अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दें. ठीक है, तो ये मैं आपसे सिंपल सी बात करना चाहता था, ये रिमाइंडर का काम कर रही है आपके लिए. तो प्लीज़ डोंट वेट फ्रॉम ICAI राइट नोटिफिकेशन, ICAI की तरफ से कोई वेट मत करो बिकॉज आप अपने अटेम्प्ट को लूज कर जाओगे. तो अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दो और अकॉर्डिंगली न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होकर के अपने आप को नवंबर के लिए प्रिपेयर करो. सो ये था एक आपके लिए छोटा सा रिमाइंडर्स ओल्ड सिलेबस के लिए. इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे टाइटल्स में लिखा था कि नो रेस्पॉन्स फ्रॉम ICAI, क्यों? बिकॉज ओल्ड सिलेबस को लेकर के इंस्टीट्यूट अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी भी तरीके से. सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस. एंड आपकी लविंग ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, 6,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका हूँ. सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.